कुक विद निशी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी गुआवा मसाला चाट। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है घर पे। इसे बनाना बहुत ही ईजी है और टेस्ट तो पूछिए नहीं कितना अच्छा लगता है खाने में। एक बार बनाइएगा बार बार मन करेगा बनाने का। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर दो गुआवा लिया है, इसे अच्छे से धो के छील लिया है। फिर यहाँ पर मैंने लिया है टमाटो सॉस, यहाँ एक बड़ा चम्मच के करीब मैंने लिया है इसे। यहाँ पर मैंने लिया है टमाटो केचप, ये भी एक चम्मच के करीब लिया है मैंने। यहाँ पर लिया है मैंने काला नमक, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है, यहाँ पे नींबू एक चम्मच के करीब लिया है, लाल मिर्च पाउडर आधे छोटे चम्मच के करीब लिया है यहाँ पे। तो देखिए अच्छे से इसे हम काट लेंगे। तो देखिए काटने के लिए मैंने अच्छे से बीच से काट लिया इसे, फिर मैं साइड साइड से छोटा छोटा सा काट लूँगी। तो देखिए आप चाहो तो बीच के साथ भी बना सकते हो और आप चाहो तो बीज निकाल के भी अच्छे से इसे बना सकते हो। तो देखिए मैं अच्छे से इसे काट के बीज निकाल के इसे बनाऊंगी। बीज जो होता है वो मुंह में आता है तो थोड़ा ख़राब लगता है खाने में, इसलिए मैं अच्छे से बीज निकाल लूंगी इसको और बहुत ही टेस्टी बनाऊंगी। तो चलिए देखिए अच्छे से मैंने इसके सारे दो गुआवा को अच्छे से इसे काट लूँगी मैं। देखिए छोटा छोटा ऐसे आप अपने हिसाब से कोई भी साइज़ का काट सकते हो। मैं यहाँ देखिए इस साइज़ का काट रही हूँ, मुझे थोड़ा छोटा छोटा सा अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए मैंने सारे गुआवा को अच्छे से काट लिया है। तो अब चलिए इसका चाट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने काट के तैयार कर लिया। अब इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे ग्रीन चटनी एक चम्मच के करीब। देखिए आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप डालिएगा, कम तीखा पसंद है तो आप उस हिसाब से डालिएगा। फिर मैं यहाँ पर डाल दूँगी देखिए यहाँ पर टमाटो केचप, ये भी एक चम्मच के करीब है। तो देखिए इसको भी मैं पूरा डाल दूँगी, आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी यहाँ पे चाट मसाला, ये भी एक चम्मच के करीब है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा तो इसको ज़रूर डालिएगा। फिर मैं डालूँगी यहाँ पर काला नमक, देखिए ये भी एक चम्मच के करीब है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। फिर यहाँ पे मैं डालूँगी नींबू का रस, तो देखिए यहाँ पे एक चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने डाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हो तो आप कम डालिएगा या तो आप छोड़ भी सकते हो, अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए मैं अच्छे से इसे मिलाऊँगी, बिल्कुल ही अच्छे से मिलाइएगा तभी टेस्ट आएगा, अच्छे से नहीं मिलाइएगा फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो देखिए मैंने लगातार चलाते हुए अच्छे से मिलाते हुए इसे अच्छे से बना लिया है। तो लीजिए बन के तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी मसाला गुआवा चाट। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, मार्केट से भी अच्छा घर पर बनाया जा सकता है। इसे एक बार बनाइए और मुझे कॉमेंट में बताइए कैसा लगा था। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।